जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सबवे ने थ्री मिस्टर चेंजिंग टेक्निक का नाम ले लिया था और इस कारण से सभी लोग हैरान हो गए थे। तो इसके आगे इस नोवल की शुरुआत होती है। इस नोवल की शुरुआत में भी हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि काफी हैरान हो गए थे। वैली चीफ अपने मन में कहते हैं, जिसके पास साधारण द्विकी है ये थ्री मिस्टर चेंजिंग टेक्निक उसके लिए यूजलेस है, लेकिन दूसरी तरफ जिसके पास हेवनली फ्लेम जो बंदा पोजेस करता है उसके लिए थ्री मिस्टर चेंजिंग टेक्निक काफी खतरनाक वेपन है, इसलिए मैं इसे नहीं दे सकता। और ऊपर से ये हमारे क्लैन की सबसे सीक्रेट टेक्निक है, इसलिए मैं इस लड़के को तो बिल्कुल नहीं दे सकता। बर्निंग फ्लेम वैली के कुछ ही ऐसी कोर डिसेबल है जिसे स्काई थ्री मिस्टीरियस चेंज की टेक्निक का इस्तेमाल करने की अनुमति है, और इसके अलावा ऑर्डिनरी बंदा इसे यूज करने की कोशिश करता है तो वो उसकी बॉडी तबाह हो जाएगी क्योंकि उसकी बॉडी इस पावर को संभाल नहीं सकती। दूसरी तरफ हम सब उनको देखते हैं जिसकी निगाह अभी वैली चीफ के एक्सप्रेशन पे था। वो लगातार देख रहा था कि कैसे वैली चीफ के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। वो कहता है, मुझे कुछ भी करते हुए स्काई थ्री मिस्टीरियस चेंजिंग टेक्निक लेनी होगी क्योंकि ये टेक्निक मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट रखती है। अगर वैली चीफ मुझे ये टेक्निक नहीं देते तो मुझे कुछ और तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं इनसे ले सकूं। इधर हॉल में जितने भी अल्केमिस्ट थे वो सभी खुद हैरान हो गए थे। वो सभी अपने मन में कहते, आखिर ये लड़का इससे क्या मांग रहा है। और ये लड़का सीधे वैली चीफ से बर्निंग फ्लेम वैली का सबसे पावरफुल सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करने की अनुमति चाहता है। सचमुच ये पागल हो चुका है। ये कहने के साथ ही वो मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वैली चीफ काफी गुस्से में आ जाएंगे। सीन शिफ्ट होकर हम वैली चीफ को देखते हैं जो कि सेवन की तरफ देखते हुए उससे कहता है, बर्निंग फ्लेम वैली के सबसे टेक्निक, इसलिए मैं भले ही मैं बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ हूँ लेकिन फिर भी मैं इसका रूल नहीं तोड़ सकता, और इस टेक्निक को खासकर वो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि ऑर्डिनरी डिसाइपल हो, और तुम तो हमारी वैली से आते भी नहीं हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें टेक्निक दे सकूंगा। लेकिन इसके अलावा तुम्हें और कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं वो चीज तुम्हारी फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। अब ये बात सुनने के बाद सावेन की आंखें नीड हो गई थी। वो अपने मन में कहता है, मुझे कुछ भी करते हुए यही लेना है। सावेन इस बात को अच्छी तरह से समझ जाता है कि उसने स्काई मिस्टीरियस चेंजिंग टेक्निक को काफी अंडरएस्टिमेट किया है, लेकिन क्या उसे इस पे गिव अप करना होगा क्योंकि सावेन के पास अभी किस में काफी सारे हेवनली फ्लेम्स थे जिसकी मदद से वो थ्री मिस्टीरियस चेंजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करे तो उसकी पावर काफी इंक्रीज हो जाती है, और अगर उसके पास स्काई थ्री मिस्टीरियस टेक्निक आ गई तो उसकी पावर और भी इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ तक कि सावेन का वो ट्रम कार्ड बन जाएगा जिसका वो जब मर्जी इस्तेमाल कर पाएगा। ये सब सोचते हुए सावेन थोड़ा सा निराश हो जाता है क्योंकि सावेन समझ जाता है स्काई थ्री मिस्टीरियस टेक्निक को लेने के लिए उसे कुछ और रास्ता ढूंढना होगा। इधर हम वैली चीफ को देखते हैं जो कि सावेन की तरफ देखते हुए उससे कहता है, मुझे लगता है कि आपको इस बात पे गिव अप कर देना चाहिए, हमारे वैली के पास और भी ऐसी टेक्निक है जो कि स्काई मिस्टीरियस चेंजिंग टेक्निक से भी पावरफुल है, इसलिए अगर आप वो चाहे तो आप उस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बात सुनने के बाद सावेन भी गुस्से में आ जाता है। सावेन अपने मन में कहता है, मुझे तो यही चाहिए, इसलिए वो वैली चीफ को धमकी देते हुए उससे कहता है कि ये रिफाइनिंग आपके लिए जरूरी है। अब ये बात सुनने के बाद वैली चीफ समझ जाते हैं कि सावेन को कुछ भी करते हुए उससे ये टेक्निक चाहिए ही। फिर वो एक नजर अपनी डॉटर को देखते हैं। फिर वो सावेन का सवाल का जवाब देते हुए उससे कहता है, मुझे कुछ भी करते हुए 6 महीने के अंदर अंदर इस पिल को रिफाइन करना ही होगा, और ये पिल मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आप लोग इसमें फेल हो जाते हैं तो मुझे पिल टावर के बुड्ढो से बात करनी होगी ताकि वो मेरे लिए इस फाइल को रिफाइन कर सके। ये सुनने के बाद सावन कुछ सोचने के बाद उससे कहता है, लगता है वैली चीफ पिल टावर के बुड्ढो के पास अभी तक नहीं गए क्योंकि उनकी भी डिमांड काफी हाई होगी, इसलिए आप वहाँ पर नहीं गए और यहीं पर आप काफी सारे अल्केमिस्ट को बुला रहे हैं ताकि आप कुछ भी करते हुए अगले 2 महीने के अंदर अंदर उस पिल को रिफाइन कर सके। लेकिन एक पर के लिए मैं इस बात को हटाकर एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, मैं और हुआंग इस पिल को रिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो इसके चांस कितने हैं कि सक्सेसफुली हम दोनों इस पिल को रिफाइन कर सके। अभी बात सुनने के बाद वैली चीफ अपने आईज को नीट कर लेते हैं और फिर वो सावेन से कहते हैं 50%। ये सुनने के साथ ही सावेन वैली चीफ से कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी हेवनली फ्लेम को भी इस पिल रिफाइनिंग में मर्ज कर दूं तो इसकी सक्सेस की रेट और भी इंक्रीज हो जाएगी। अभी बात सुनने के बाद वैली चीफ हैरान हो गए थे। वो अपने मन में कहते हैं, हेवनली फ्लेम, ये लड़का वैसे सही कह रहा है कि अगर ये हेवनली फ्लेम की मदद इस पिल को रिफाइन करे तो इसकी सक्सेस की रेट और भी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी तरफ सावेन अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए उससे कहता है कि मैं ऐसा कहकर बड़े बड़े हांकने की कोशिश नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं सच कह रहा हूं कि आपने मुझे हायर किया, ये आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, इसलिए आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। सावेन की ये शब्द सुनने के बाद वो गहरी सोचने में चले गए थे। वो सावेन से कहते हैं कि आप इस पे गिव अप नहीं कर सकते। दूसरी तरफ सावेन अपने गर्दन को नाम हिलाता है और उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो आपको इस पिल के साथ भी कोऑपरेट करना होगा। अभी बात सुनने के बाद वैली चीफ थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। वो अपने मन में कहते हैं, अब मैं क्या करूं क्योंकि ये पिल मेरी डॉटर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ सावेन इस टेक्निक पे गिव अप नहीं कर सकते। वैली चीफ सावेन से कहते हैं, मैं अपने रूल को नहीं बदल सकता, इसलिए तुम मुझे माफ करना। दूसरी तरफ सावेन इन वर्ड को सुनने के बाद हेल्पलेस फील कर रहा था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहता है, उससे पहले वैली चीफ फिर से कहते हैं, लेकिन अगर तुमने इस फील्ड को सक्सेसफुली रिफाइन कर दिया तो मैं एक कोशिश करूंगा कि मैं इस टेक्निक को तुम्हें दे दूं। अब ये बात सुनने के बाद सावेन काफी खुश हो चुका था क्योंकि भले वैली चीफ ने वादा ना किया हो लेकिन फिर भी उसे एक मौका तो दिख ही रहा था, इसलिए वो उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस पे राजी हूं। सावेन खुश होते हुए वैली चीफ को थैंक यू कहता है और उससे कहता है, ये एक्स्ट्रा थैंक यू मैं आपको कहना चाहता हूं। ये बात सुनने के बाद वैली चीफ उससे कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हें सबसे पहले सक्सेसफुली रिफाइन करना होगा पिल को, उसके बाद ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस टेक्निक को सीख पाते हो या फिर नहीं। इसके अलावा तुम पे काफी प्रॉब्लम आएगी जब तुम इस टेक्निक को ले जा रहे होगे तब।
दूसरी तरफ सावेन को भी अच्छी तरह से पता था कि अगर वैली चीफ इसके लिए तैयार होते तो बाकी एल्डर्स इसके लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए उसे इस टेक्निक को ले जाने के लिए अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास करना होगा। फिर वैली चीफ सभी पे एक नजर डालते हैं, फिर वो सभी से कहते हैं अगर आप सभी का यहाँ पर काम नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं और गेस्ट रूम में आराम कर सकते हैं। फिर वो एल्डर चू की तरफ दिखने लग गए थे, एल्डर चू भी उसके इशारे को काफी आसानी से समझ जाते हैं, इसलिए वो सभी एल्केमिस्ट को वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम सावेन को देखते हैं जो की अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था। फिर सावेन वैली चीफ के सामने ग्रीट करते हुए उन्हें कहता है अगर यहाँ पर मेरा और काम नहीं है तो यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही वो भी उन सभी लोगों के साथ वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हॉल में देखते हैं जहाँ पर अभी के समय कोई भी नहीं था। वैली चीफ की डॉटर सामने आने के साथ ही अपने फादर से कहती है कि आप हमारी टेक्निक उसे दे देंगे। ये बात सुनने के बाद उसके फादर कहते हैं मैंने उससे कहा है मैं दे दूंगा, लेकिन मैंने उससे कोई भी प्रोमिस नहीं किया और ये लड़का इस टेक्निक के काबिल है या फिर नहीं ये तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम्हें कुछ सालों पहले काफी बड़ी इंजरी हुई थी और तुम्हें पूरी तरह से हील करने के लिए मुझे इस पिल को रिफाइन करना ही होगा, नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगले एक साल के अंदर अंदर तुम मर जाओगी, इसलिए मुझसे ऐसा करना ही पड़ा। अब अपने फादर की बातों को सुनने के बाद वो थोड़ा सा उदास हो गई थी। वो अपने मन में कहती है एक साल पहले मुझे काफी इंजरी हुई थी और फादर मेरी जान बचाने के लिए इस पिल को रिफाइन करना चाहते हैं ताकि वो किसी भी तरह से मेरी जान बचा सके। इधर वैली सिर्फ अपनी डॉटर से कहता है तुम्हें भी पता है जब तुम ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम से फुल सक्सेसफुल इमर्ज होने की कोशिश कर रही थी तो तुम्हें बेकलेस का सामना करना पड़ा था और उसी कारण से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। भले हमने तुम्हारी जान को बचा लिया लेकिन फिर भी तुम्हारी दिन पे दिन तुम्हारी पावर कम हो रही है और अगले एक साल के बाद तुम मारी जाओगी, इसलिए हमें इस पिल को रिफाइन करना ही होगा। इधर अपने फादर की ऐसी बातें सुनने के बाद वो अपने लिफ्ट को बाइट कर लेती है और उससे कहते हैं कि आप यांसो को हमारी सीखने की टेक्निक दे देंगे। अब इस सवाल का जवाब देते हुए वैली जी उससे कहते हैं कि अगर उसने इस पिल को रिफाइन कर लिया तो हमारे एल्डर्स भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम इस बात को हटा दो क्योंकि मैंने उस लड़के को कहा है कि मैं सिर्फ उससे जान दूंगा। ये चीज उसकी एबिलिटी पर निर्भर है कि वो इस टेक्निक को ले जा सकता है या फिर नहीं। अब अपने फादर की ऐसी बातें सुनने के बाद वो थोड़ा सा गुस्से हो गई थी, लेकिन इसके अलावा वो इस बात पर नोट कर देती है क्योंकि उसे भी अच्छी तरह से पता था कि उसके लिए ये पिल कितना इंपॉर्टेंट है। फिर वैली सिर्फ कुछ सोचने के बाद कहते हैं जरूर यांसा नाम भी फेक होगा क्योंकि मुझे लगता है कि उसने जैसे अपने फिजिकल को हाइड किया है उसी तरह वो अपने नाम, क्योंकि आज तक मैंने यांसो नाम का कोई भी एल्केमिस्ट नहीं सुना जो कि इतने कम है इसके अंदर ही इतने बड़े एल्केमिस्ट बन चुका है। फिर वो अपनी डॉक्टर की तरफ देखते हुए उससे कहता है जाओ पिल रिफाइनिंग की तैयारी करो क्योंकि मैं भी उसकी असली स्ट्रेंथ देखना चाहता हूँ कि आखिर उस लड़की की कितनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि ऐसा जरूर होगा कि वो अपनी एबिलिटी को शो करे, इसलिए मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर उस लड़की की एबिलिटी क्या है। अभी ये कहने के साथ ही वो वहाँ से डिसअपीयर हो गए थे और सीन के साथ हमारे ये नोवेल यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को और पे प्रेस करना ना भूलें। तो अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।